हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रमज़ान हो चुके हैं शुरू, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी की रेसिपी, जो कि आप कभी भी इफ्तारी में बना के एंजॉय कर सकते हैं। सब लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक पैन, और उसी में ऐड कर दिया है 750 ml वाटर। साथ साथ ऐड कर रहे हैं 2 कप मैक्रोनी। मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं, उसके लिए यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून तेल और ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने का वेट करेंगे। बीच बीच में हम मैक्रोनी को स्टिर भी करते रहेंगे। जब मैक्रोनी पक जाएगी तो ये फूल भी जाएगी और ये सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर में एक बॉईल आ गई है, तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और स्लो गैस पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कुक होने देंगे, ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मैक्रोनी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, और अब हम यहीं पे चेक कर लेते हैं कि ये अच्छे से पक गई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से पक गई है, तो अब हम इसको एक स्टेनर से स्टेन कर लेंगे गैस की फ्लेम को ऑफ करके। तो यहाँ पर हमने मैक्रोनी को स्टेन कर लिया है, तो अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसी के अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और जब तेल हमारा मीडियम हॉट हो जाएगा हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको कि इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम फ्राई कर लेंगे जब तक प्याज जो है वो अपना कलर चेंज नहीं कर देती। यहाँ पे हमें प्याज को ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है। 2 से 3 मिनट बाद प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है, तो अब हम यहीं पर ऐड कर देंगे 1/2 कैप्सिकम और ऐड करेंगे 1 कप पत्ता गोभी, जिसको कि मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया था। आप चाहें तो इसको फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज टमाटर, जिसको कि फाइनली चॉप कर लिया है कुछ इस तरीके से, और 2 से 3 हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर इंग्रेडिएंट, जिसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। यहाँ पे नमक की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ने पे आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सब्जियाँ हमने इसमें ऐड करी हैं उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस ही आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको एक लिड से कवर करेंगे और कवर करके इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट बाद हम इसके लिड को यहाँ पर खोलकर देखेंगे और हम देख पाएंगे कि हमारी जो सब्जियाँ हैं उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस सी आ गई है, तो हम इसमें एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। तो अब हम यहाँ पे बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड करा है 3/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लेकिन अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिलीज दोनों को ही अवॉइड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे। साथ साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। इन सबको ऐड करने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं एक दूसरे के अंदर। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दें। तो जो मैक्रोनी हमने बॉईल करके एक साइड में रखी हुई थी उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर एक स्पैचुला की हेल्प से इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करी थी वो मैक्रोनी के अंदर खूब अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें मैक्रोनी के अंदर खूब अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सॉसेस। तो मैंने यहाँ पे ऐड करा है 2 टीस्पून टोमेटो केचप,
1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस जो है वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से, ताकि तीनों सॉसेस हमारी मैक्रोनी के अंदर खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे सॉसेस हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो लास्ट में हम इसमें गार्निश कर ले रहे हैं धनिया की पत्ती, जो कि काफ़ी टेम्पटिंग लुक देगी हमारी मैक्रोनी में। तो यहाँ पे हम धनिया की पत्ती को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी मैक्रोनी एकदम बन के तैयार हो गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी मैक्रोनी एकदम बन के तैयार हो गई है। और आप जानते ही हैं कि मैक्रोनी तो ऐसी चीज़ है कि बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं, तो आप इसको कभी भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। खासकर आप इसको इफ्तारी के टाइम पे बनाइए, सब लोग इसको बहुत ही पसंद करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज आपको आती हैं पसंद, तो इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा और चैनल को 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।